सद्गुरु कबीर का एक पद है, संतों कथनी कथे ते खोटा, जानो कर्म विकार न खोवे, कोयला कपट जी ओटा। ज्ञान ग्रंथ कब चातुर कीन्हा, बांधे विष के मोटा, तद अनरीति अकुल लालच, जग में बड़घर लूटा। सांस पिया के चाल न आवे, नहीं हृदय है हेता। ऐसी भक्त मुक्ति नहीं पावे, साहेब है नहीं कांचा। कहें कबीर अंतर की करनी, निकसे मुख के बाटा। सार असार परख नहीं आवे, झूठा लागे मीठा। संतों कथनी कथे ते खोटा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, ज्ञान की बातों का आचरण किए बिना, ज्ञान की बातों को जीवन में प्रयोग किए बिना जो केवल कथनी कथता रहता है, वह खोटा आदमी है। ज्ञान की बातें कम ज्यादा तो हर आदमी जानता है। हम कितना जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हम कितना करते हैं। आचरण में हमारा कितना उतर रहा है। और कमी आचरण में है, सर्वत्र कमी आचरण में है। जितना जितना हम जानते हैं उतने उतने का जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दें तो आगे जो नहीं जान रहे हैं वो भी जानने में आ जाएगा। बहुत जान करके क्या करेंगे। जितना जानते हैं उतना पर्याप्त है। आवश्यकता आचरण की है। आचरण में कठिनाई महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत बिगड़ी हुई है। कल्याण का काम बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, क्योंकि कल्याण के काम में बाहर की कुछ आवश्यकता नहीं है, न प्राणियों की न पदार्थों की। जिसमें कुछ चाहिए ही नहीं उसमें कठिनाई क्या है। फिर भी कल्याण का काम, आत्मशांत, अंतर्मुखता का काम कठिन क्यों जान पड़ता है। पहले की बनाई हुई गंदी आदतों के कारण, गंदी आदतों के प्रति जब तक प्रीता रहेगी कल्याण का काम उतना कठिन जान पड़ेगा। अब गंदी आदतों के प्रति प्रीता घटती जाएगी, गंदी आदतें छूटती जाएगी,
कल्याण का काम उतना सरल होता चला जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि संतों कथनी कथे च खोटा। ए संतों, बिना प्रयोग किए, बिना आचरण में उतारे, जो केवल ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें कहता रहता है वो खोटा आदमी है। इसमें क्या लगता है कहने में? जानो कर्म विकार न खोवे, कोयला कपट जी ओटा। जब तक मन से या जीवन से विकारी कर्मों का त्याग नहीं हो जाता, तब तक हमारा भीतर तो काला का काला ही बना रहेगा। कोयला कपट से हम पूर्ण रहेंगे। जी ओटा, पर्दा क्या है? कर्म विकार। बिना कर्म किए रहा नहीं जा सकता है। मानव शरीर कर्म भूमि का कहा गया है। हर आदमी हर समय कुछ न कुछ करता रहता है। लेकिन शुभ कर्म करें, जीवन निर्वाह के जो कर्म हैं वो तो आवश्यक हैं, उसके अलावा अन्य जो है शुभ कर्म करें। लेकिन हम शुभ कर्म नहीं करते, विकारी कर्मों में डर जाते हैं। विकारी कर्मों का त्याग करना होगा। विकारी कर्म वे कर्म हैं जिनसे हमें तो तकलीफ होती ही है, दूसरों को भी तकलीफ होती है, असुविधा होती है, कष्ट होता है, पीड़ा पहुंचती है। कैसे कैसे कर्म संस्कार मन में बने हुए हैं, उन्हीं कर्म संस्कारों को तो खोने का काम करना है। सदगुरु श्री विशाल साहब ने एक बार कहा था, उस समय हमारे गुरुदेव जी भी महापति थे, श्री प्रेम साहब जी भी थे, अन्य संत थे, तो ऐसे बात करते करते सदगुरु श्री विशाल साहब ने कहा, साधना क्या है? सब कुछ को बिगाड़ देना साधना है। बस साधना का मतलब बिगाड़ना। लेकिन किसको बिगाड़ना? बाहर की चीजों को बिगाड़ना? बाहर की चीजों को बिगाड़ने से काम थोड़े बनेगा। बिगाड़ने का मतलब है अंदर जो हमने कुछ संस्कार बना रखा है, विषयों का ध्यास जो मन में जमा रखा है, उनको बिगाड़ना, उनको मिटा देना। साधना कुछ नहीं है, अनादिकालीन जो विषय विकार है उनको ही मिटाने का काम करना है। और ये ऐसे मिटेगा नहीं, बराबर इसके लिए अभ्यास और चिंतन मनन की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आज हम विकारी चिंतन न करें। विकारी चिंतन करते रहेंगे तो पुराने अध्यासों को बल मिलता रहेगा, वे और पुष्ट होते चले जाएंगे। विकारी चिंतन का त्याग इस साधना के लिए नहीं,
सुख से जीने के लिए भी आवश्यक है। और सुख से हर आदमी जीना चाहता है। जितना विकारी चिंतन करेंगे मन उतना उत्तेजित रहेगा, शुद्ध रहेगा। थोड़ी थोड़ी बातों के लिए फिर कलह विवाद शुरू होता रहेगा। एक संकल्प का हम कर लें, अब तक जो हुआ सो हुआ, पता नहीं क्या क्या कर लिए, आज के बाद मैं कोई गलत बात नहीं सोचूंगा, विकारी बात नहीं सोचूंगा। विकारी गलत बात वही बात है जिसे सोचने से मन उत्तेजित होता हो, चंचल होता हो, अशांत होता हो, पीड़ित होता हो, बैरमुख होता हो। जिस बात में दूसरों का अहित छिपा हुआ हो और मेरा मन चंचल होता हो, वही बात विकारी बात है, वही बात विकारी चिंतन है। इसको छोड़ने में कठिनाई क्या है? कौन सा घाटा हो जाएगा, कौन सा काम रुक जाएगा? लेकिन हम ये काम नहीं कर पाते। जौलो कर्म विकार न खोवे, सदगुरु कहते हैं जब तक विकारी कर्मों का त्याग नहीं होगा, विकारी चिंतनों का त्याग नहीं होगा, ज्ञान की बातें चाहे जितनी कहते रहोगे, बने रहोगे कोयला के कोयला और अंदर कपट का जाल बिछा रहेगा। और यही आत्मशांति में पर्दा है, रोड़ा है। ज्ञान ग्रंथ कब चातुर कीन्हा, बांधे विष के मोटा। सदगुरु कहते हैं बताओ, सिर पर विष की मोटरी बांध करके घूम रहे हो, तो ज्ञान के ग्रंथों ने किसको ज्ञानी बनाया है? ज्ञानी का अर्थ होता है निर्मोह, निष्काम, निर्मल मनवाना। अनिश्चित है कि कोई भी व्यक्ति एकाएक निर्मल मनवाला नहीं हो सकता, पूर्ण निष्काम और निर्मोह नहीं हो सकता। लेकिन लगन तो होनी चाहिए, धीरे धीरे ही सही उस दिशा में हमारी प्रगति तो होनी चाहिए। ज्ञान की बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ लिए, रट लिए और धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिए, लेकिन बांधे विष के मोटा, सिर पर तो विष की विषय वासना की मोटरी बंधी हुई है। हर समय मन यही भटक रहा है कि कहाँ से इंद्रियों के विषय भोगने को मिले। तो ज्ञान के ग्रंथ क्या करेंगे? पढ़ने का खंडन नहीं कर रहे हैं आप साहब, ये नहीं कर रहे हैं कि पढ़ो मत, लेकिन पढ़ना सिर्फ पढ़ने के लिए है या पढ़ना गुणने के लिए और गुण करके जीने के लिए है? पढ़ना सिर्फ पढ़ने के लिए है तो हर आदमी ज्ञानी है, फिर दुखी क्यों है सब? एक पढ़ना तो होता है नौकरी पाने के लिए, वो अलग पढ़ाई है। यहां बात धर्म और अध्यात्म की है। बड़ी बड़ी पोथियां हैं धर्म की, एक ओर से पढ़ते जा रहे हैं, पाठ करते चले जा रहे हैं। क्यों? हैबिट भी होती है लोगों की, चलो एक अच्छी हैबिट है पढ़ने की, लेकिन हैबिट बना लेने मात्र तो कुछ नहीं होने वाला है। बांधे विष के मोटा, विष की मोटरी बंधी हुई है, तब क्या होगा? बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा है, देहाभिमान का त्याग नहीं हो रहा है, तो पढ़ने से होता क्या है फिर?
पढ़ने का मतलब है तथ्य बोध, और तथ्य बोध का मतलब होता है निष्काम भाव, मन में बढ़ते चले जाना, धीरे धीरे सही दिशा में प्रगति तो हो, धीरे धीरे चले, धीरे धीरे चले, चलते रहे तो कभी तो पहुँचेंगे, लेकिन लगन ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है, कोई रुचि ही नहीं है, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कह देते हैं, अब मान लेते हैं, भ्रम पाल लेते हैं कि हम बड़े सत्संगी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े साधु हैं, कुछ नहीं होने वाला है, बांधे विष के मोटा, विष की मोटरी, अहंकार की मोटरी, कल्पनाओं की मोटरी, वासनाओं की मोटरी तो सिर पर सवार है, मन उसी के चिंतन कर रहा है, तो होगा क्या इससे? तज अनरीति और कुल लालच, जग में बड़घर लूटा, संसार में बड़े बड़े कहलाने वाले लोग, अहंकार में पढ़ करके पतित हो गए। साहब कहते तुम किसी बात का अहंकार मत करो, सारी अनरीति का त्याग कर दो, अकुल लालच कि मैं बड़े कुल का हूँ, बड़े कुल में मेरा जन्म हुआ है, ये भाव छोड़ दो। बड़ा कुल कौन कुल है? बड़ा कुल है मानव कुल, मनुष्य शरीर में जो आया सब बड़े कुल में है, इसके अलावा और जो बड़े कुल कहे जाते हैं सब झूठे हैं। अपने को एक सामान्य मनुष्य माने, जाति पाति से जोड़कर अपने को न तो हीन माने, न अपने को दूसरों से बड़ा माने। हीन मानना भी गलत है, और काल्पनिक जाति के आधार पर अपने को दूसरों से बड़ा मानना भी गलत है, पाप है। सबसे बड़ा कुल मानव कुल, साहब ने भी कहा है, कार्य बड़े कुल उपजे जोरे बड़ी बुद्धि नाए, जैसा फूल उजारी का मिथ्या लगे झर जाए। तुम कहते हो कि हम बड़े कुल में जन्म लिए हैं, तो तुम्हारे बड़े कुल में जन्म लेने से क्या होता है? तुम्हारे पास यदि बड़ी बुद्धि नहीं है, मानवीय बुद्धि नहीं है, समता का, एकता का, प्रेम का भाव नहीं दूसरों के लिए, मनुष्य मनुष्य बराबर है ये भाव मन में नहीं है, तो तथाकथित बड़े कुल में पैदा होने से क्या हुआ? बड़ी बुद्धि, मानवीय बुद्धि, विनम्रता की बुद्धि हो तब, अन्यथा क्या है? जंगल में फूल खिलते हैं एक से एक रंग बिरंगे, किस काम आते हैं? खिले और झड़ गए। ऐसे उत्तम मनुष्य जीवन मिला, पेड़ भर लिए, बच्चे पैदा कर लिए, पाल पोत लिए, रिझ खींच लिए, मर गए, ते तो जानवर भी कर रहा है, फिर किस बात का अहंकार कि हम बड़े आदमी हैं, हम मनुष्य हैं? साहब कहते हैं ये कुल का अभिमान छोड़ दो। साहब ने एक साखी में भी कहा है, और कुल राखे कुल उबरे, कुल राखे कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेटिया, सब कुल गया भी गया बिलाए, कुल जा रे कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेंटिया, सब कुल गया बिलाए। कुल जा रे कुल उबरे, कुल कुटुम्ब का अहंकार जला दो कि मैं बड़ी जाति का, बड़े कुल का, बड़े वर्ण का, बड़े घराने का, ये अहंकार जला दो तो कुल उबरे, सब प्रकार से उद्धार हो जाएगा।
विनम्र सब कुछ का अहंकार छोड़, विनम्र हो जाओ, सब प्रकार से उद्धार हो जाएगा। कुल राखे कुल जाए, एक कुल कुटुम्ब जात पात का अहंकार रखोगे तो सब प्रकार से पतन हो जाएगा। राम निकुल कुल भेंटिया, ये जो राम है प्रत्येक शरीर में बैठा हुआ जो चेतन है वो किस कुल का है? इस जीव को क्या कहोगे? हिंदू की मुसलमान, ब्राह्मण की शूद्र, ये और क्या कहोगे? हंस दें तो जी न्यारा होई, ताकर जाति कहे धोंको ईशा, सफेद की राता पीरा, अवरन बरन की ताता सीरा, हिंदू तुरुप की बूढ़ो बारा। साहब ने एक ओर से कितना कह दिया है। शरीर की मान लो आप जाति मानते हो, आत्मा की कौन जाति? उसकी भी कोई जाति होती है क्या? राम निकुल है, राम से भेंट हो जाएगी, राम का बोध हो जाएगा तो सब कुल गया बिगाया, सारे कुल कुटुंब का अहंकार का अपने आप खत्म हो जाएगा। उस राम का पहचानना है। तो साहब कहते हैं अपने को किसी कुल का मानकर, बड़े कुल का मानकर अहंकार मत करो और लालच मत करो बाहर से कुछ पाने का। प्रलोभन में आकर के आदमी का पतन होता है। किसी चीज का प्रलोभन हो, खाने पीने का प्रलोभन है, रुपये पैसे का प्रलोभन है, जमीन जायदाद का प्रलोभन है, विषय वासना का प्रलोभन है, मान सम्मान का प्रलोभन है, गद्दी महंती का प्रलोभन है और ईश्वर ब्रह्म पाने का प्रलोभन है। कोई भी प्रलोभन है भटका, आपको प्रलोभन भटकाएगा ही भटकाएगा। अब बाहर से जो मिलेगा सब छूट जाएगा। साहब कहते हैं प्रलोभन में मत पड़ो। विषय विकार, जो विकारी कर्म है उनका त्याग करो। और तज अनरीति, अनरीति का त्याग करो, गलत व्यवहार का त्याग करो। अनरीति का व्यवहार, जिस व्यवहार से, जिस रहन सहन से दूसरों को तकलीफ होती हो, पीड़ा पहुंचती हो, असुविधा पहुंचती हो, उनका मन शुद्ध होता हो, ये सब अनरीति के व्यवहार है। बाहरी रूप में देखें तो हम अपने लिए गलत व्यवहार नहीं चाहते, समझ सकते हैं कि दूसरे लोग भी गलत व्यवहार नहीं चाहते, लेकिन और ऊपर चलें तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तब अनरीति क्या है? अपने आत्मा के अलावा कहीं भी मन लगाना अनरीति का व्यवहार करना है। कहीं भी मन को जोड़ लेना, कहीं मन को बांध लेना, किसी प्राणी में बांध लेना, किसी पदार्थ में बांध लेना, किसी गद्दी महंती में बांध लेना, या कहीं भी बांधना, कुछ भी नाम कुछ भी ले लो, जो अपना आपा है, अपना चेतन स्वरूप है, उसके अलावा कहीं कुछ भी हो उसमें आसक्त हो जाना, उसमें अपने मन को बांध लेना अनरीति का व्यवहार है। और इसी अनरीति के व्यवहार से आज तक हम भटकते आ रहे हैं, दुख पर दुख का भोग करते चले आ रहे हैं, और यही अनरीति का व्यवहार करते रहेंगे आगे। तो जैसे आज तक दुख का दुख भोग करते रहे वैसे आगे भी होता रहेगा। आप कह सकते हैं यदि मन को कहीं नहीं लगाएं तो व्यवहार का काम कैसे चलेगा? तो उसके लिए तो आप लगाओ, लेकिन हर समय उस चीज को मन में बैठा करके रखे रहना। मान लो सोचें अभी आप सब अपने अपने घर छोड़ करके यहां आए हैं। घर में जो कुछ है, परिवार के लोग, कुल कुटुंबी, रुपये पैसे या अन्य सब कुछ छोड़ करके आए हैं। क्यों आए हैं? ध्यान साधना का अभ्यास करने के लिए, एक सीखने के लिए आए। अब यहां बैठकर
आँख तो बंद कर लिए आप, बैठे हैं। अब यहाँ बैठकर आप घर के बारे में सोच रहे हैं, कैसे हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, एक अमुक काम ना बिगड़ जाए, तो आप अनरीति का व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। जब घर जाना तो फिर वहां के बारे में फिर सोचना, कुछ ना कुछ आप व्यवस्था करके आए होंगे, घर वालों को समझा करके आए होंगे कि किस काम को कैसे करना है, किससे क्या करना है, करना सब समझा कर आए हैं। आपको जो करना था वो आपने कर दिया, व्यवस्था करके आप आ गए हैं। इसके बाद भी आप सोच रहे हैं बराबर, तो यहाँ का काम तो बना नहीं, वहाँ का भी काम गया, तो अपने साथ आप अत्याचार कर रहे हैं। यही है अनरीति का व्यवहार। और इस अनरीति के व्यवहार से कभी हम आत्मशांति का अनुभव नहीं कर सकते, आत्मविकास का काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा व्यवहार गलत हो गया है। जहाँ मन लगाना चाहिए, अभी आपको मन कहाँ लगाना है, ध्यान साधना में, इसी के लिए आए हैं। यहाँ तो मन लग नहीं रहा है, और जहाँ मन लग रहा है वहाँ के लिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो इधर से भी गए उधर से भी गए, यही तो अनरीति का व्यवहार है। और इस व्यवहार से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे आप हर जगह सोच लें, तो आध्यात्मिक दृष्टि से दुनिया के किसी प्राणी और पदार्थ में मोह बना लेना, चिपक जाना उससे, अनरीति का व्यवहार है। और इस अनरीति के व्यवहार से कभी हमें मानसिक संतोष नहीं मिलेगा, मानसिक क्लेशों की निवृत्ति नहीं होगी, हमेशा हमारा मन जलता रहेगा। सद्गुरु कहते हैं, तज अनरीति और कुल लालच जग में बढ़ लूटा। इस अनरीति के व्यवहार ने, कुल कुटुंब के अहंकार ने और प्रलोभन ने बड़े बड़े कहलाने वालों को लूट लिया है, उनका पतन कर दिया है, कोई बचा नहीं इससे। इसलिए अनरीति का व्यवहार, कुल कुटुंब का अहंकार और प्रलोभन छोड़ दें, फिर सब कुछ बढ़िया बनेगा। साज पिया की चाल न आवे, नहीं हृदय है हेता। सच्चा जो पिया है, सच्चा जो पति है, उसका चाल क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो किस बात से प्रसन्न होगा, इसका ज्ञान ही नहीं है। और उसको खुश करने के लिए हृदय में कोई प्रेम भी नहीं है। साज पिया क्या है? सच्चा पिया जो हमसे कभी छूटे ना, अपना आपा, अपना अस्तित्व, हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व, क्योंकि वो हमसे कभी छूटने वाला नहीं है, वो तो हम ही हैं। क्या उसका स्वभाव मालूम है? कहाँ मालूम है। और मालूम है तो वैसे बाहर का आचरण क्यों नहीं है? फिर जी शुद्ध बुद्ध निर्मल है, निर्विकार है। जितना जितना बाहर की आसक्ति छूटती जाएगी, बाहर का मोह छूटता जाएगा, उतना उतना अपने आप से हम जुड़ते चले जाएंगे, उतना उतना आत्मानुभव होता चला जाएगा। क्या ये भाव मन में है? क्या इसके लिए हृदय में प्रेम है?
कोई एक प्रयोजन है इसके लिए? कुछ नहीं, सारा का सारा प्रयोजन बाहर के लिए, शरीर को लेकर के। जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन अंतिम प्रयोजन क्या है ये सोचना होगा। अंतिम प्रयोजन तो है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। हम सब जो कुछ कर रहे हैं दुख से छुटकारा पाने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन सोचें दुख से छुटकारा कितना मिला है, मन के दुख कितने घटे, और नहीं घट रहे हैं तो क्यों? इस बात पर कभी विचार करते हैं? न विचार करते हैं न उसके लिए हृदय में प्रेम है। जब विचार ही नहीं करते, हृदय में प्रेम ही नहीं है, तब उस दिशा में हम आगे बढ़ कैसे पाएंगे? सांस पिया की चाल ना आवे, साहब कहते हैं सांस जो पिया है सच्चा स्वामी अपना आपा, वह शुद्ध बुद्ध है, निर्मल निर्विकार है। वैसे ही जीवन की रहनी आज बनानी होगी। हम चाहे जैसे रह करके, चाहे जैसे खा पी करके, चाहे जैसे सोच करके बात व्यवहार करके कर लें, नहीं होने वाला है। कुछ लोग कहते जरूर हैं आत्मज्ञान हो गया, ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि शरीर और जीव दोनों बिल्कुल अलग अलग है। जीव शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है, असंग है। शरीर विकारी है, प्रतनशील है। दोनों में कोई एक रूपता है ही नहीं, बिल्कुल अलग अलग। ये भाव समझ लिए और ये समझ लिए कि मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, गुणातीत हूं मैं, ये भाव समझ लिए, फिर कुछ भी करते रह जाओ तुम्हें बंधन नहीं होना, मोक्ष होने वाला। क्योंकि जी तो अकर्ता है, अभोक्ता है, अलिप्त है, निर्लिप्त है। ये जी में लिपामान थोड़े होने वाला है, कुछ इंद्रियां कर्मों को करती है, इंद्रिया भोगों को भोगती है, जी थोड़े भोगता है। धर्म के क्षेत्र में बहुत बेईमानी और बदमाशी शुरू हो गई थी। जीव अकर्ता है, निर्लिप्त है, असंग है, गुणातीत है, ये बात सच। लेकिन इंद्रियों को प्रेरणा कौन देता है? किसकी प्रेरणा से इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है, भोगों में लगती है? प्रेरणा देने वाला, सत्ता देने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला तो जीव ही है ना। हम ना चाहें तो हमारी आंखें देखेंगी कैसे, कान सुनेंगे कैसे, हाथ पर चलेंगे कैसे? तो मैं शुद्ध बुद्ध, निर्मल निर्विकार, असंग, अकेला, अद्वैत, निर्लिप्त हूं, ये जानने के पश्चात चाहे जो करते रह जाओ सब मुक्त हो जाओगे, ये कहना अपने को, समाज को धोखा देना है। जीव जैसा असंग शुद्ध बुद्ध निर्मल निर्विकार है, वैसे ही आज आचरण की आवश्यकता होगी, शुद्ध रहने की आवश्यकता है, तब ये ज्ञान काम आएगा। लेकिन इस शुद्ध रहने के लिए हृदय में प्रेम नहीं, हृदय नहीं, हृदय है ता, इसके लिए हृदय में प्रेम ही नहीं है। मुझे अपने जीवन को
शुद्धाचरण पूर्वक जीना है, निर्विकार भाव से निर्मल होकर के जीना है, मन में भावना ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, तो फिर आत्मबोध आत्म साक्षात्कार का काम कैसे हो पाएगा। सांस पिया की चाल नावे, सांस जो पिया है चेतन, चाल क्या है? शुद्धता निर्विकारता, वही शुद्धता निर्विकारता व्यवहार में जब आ जाएगी तब वो काम आएगा ज्ञान हमारा। ऐसी भक्त मुक्ति नहीं पावे, साहेब है नहीं कांचा, साहेब पता ऐसी जो भक्ति है झूठी भक्ति, मन में कुछ और हृदय में कुछ और, इस भक्ति से काम नहीं हो, मुक्ति नहीं मिलने वाली है। साहेब कच्चा नहीं है कि चाहे जैसे रह करके बात व्यवहार करके कल्याण का काम हो जाएगा, सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति का तो एक अर्थ तो है विनम्रता समर्पण, जो अपना इष्ट है पूज्य है संत हैं गुरु हैं उनके प्रति अनुराग प्रेम श्रद्धा। लेकिन असली भक्ति है स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति भी धीते, स्वस्वरूप का अनुसंधान करना। और ये ऐसे जबान में कुछ हृदय में कुछ से नहीं होने वाला है। सच्ची भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ ये भी है जितने भी गलत हैं उनका त्याग करके अच्छाइयों को ग्रहण करना। भक्ति का अर्थ है पृथककरण वियोजन विभाग करना, किससे किससे वियोजन है, किससे पृथक करना है, विभाजित किससे करना है। हमारा मन जो दुनियादारी में मिला हुआ है वहां से पृथक कर लेना है, वहां से उसे हटा लेना है। तो दुनिया का जो राग रंग है, जो मोह आसक्ति कामना है, मन को उधर से हटाकर आत्मा में जोड़ना, यह भक्ति है, यह सच्ची भक्ति है, अंतिम भक्ति कह सकते हैं, निर्गुण भक्त। और इस भक्ति का हमें ज्ञान ही नहीं है। तो आपको तो साची भक्त मुक्ति नहीं पावे, ऐसी भक्ति मुक्ति नहीं पावे, ऐसे जो झूठी भक्ति है, खाली कुछ कर्मकांड में उलझ गए, थोड़ा सा दान पुण्य कर दिए, सेवा कर दिए, समझ ले मुक्ति में, जैसा नहीं होने वाला है। साहेब कच्चा नहीं है, वो हर बात पर रख रहा है, हर बात पर रख रहा है, देख रहा है, एक एक कर्म को हमें शुद्ध भाव से करने की आवश्यकता है, तब काम बनेगा। कहें कबीर, अंतर की करनी निक्से मुख के बाटा, मन और इंद्रियों से हम जो कुछ भी करते हैं सबके संस्कार अंतःकरण में एकत्र होते चले जाते हैं। और फिर समय से मुख के रास्ते से संस्कार मन में बैठी हुई बात बाहर आ जाती है। कई बार हम कहते हैं कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं अन्यथा जो नहीं बोलना चाहिए, बोलने के पश्चात कहते हैं कि क्षमा करना, ये बात मेरे मन में नहीं थी लेकिन जबान से निकल गई, नहीं थी तो निकली कहाँ से, थी दबी हुई थी, हमारा विवेक कह रहा था कि ये बात बोलना ठीक नहीं है, बात बिगड़ जाएगी, काम बिगड़ जाएगा, संबंध खराब हो जाएगा, विवेक रोक रहा था,
हम दबा करके बैठे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसा प्रसंग आया, विवेक सुप्त हो गया और दबी हुई बात बाहर निकल कर आ गई। तो मन में जो नहीं होगा वो बाहर आएगा कैसे? तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, बैठे हैं, सोच रहे हैं, वो सोचना भी करना है। जो सोच रहे हैं उसके संस्कार भी अंतःकरण में एकत्र हो रहे हैं। जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये तो दिखाई पड़ता है दूसरों को कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये हम जो सोच रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ता, उसे तो हम ही महसूस करते हैं, हम ही उसे जानते हैं। लेकिन जो सोचते हैं उनका भी संस्कार अंतःकरण में एकत्र होते हैं और समय से वो मुख्य रास्ते से बाहर निकल आते हैं। यहाँ साहब का भाव है, गलत संस्कार मन में न बनाओ, अंतकरण में गलत संस्कार इकट्ठे न दो, न होने दो। गलत संस्कार इकट्ठे होंगे तो एक न एक दिन वो फोड़ा बन करके उभर आएगा। सब कुछ सही होते हुए भी समय समय से हमारा मन क्यों तनावग्रस्त हो जाता है, क्यों उलझ जाता है? वो गलत संस्कार जो इकट्ठे हैं ना, उन्हीं के कारण। संस्कार इकट्ठे शुद्ध होते, शुद्ध संस्कार इकट्ठे होते तो उलझने की नौबत ना आती, तनाव की नौबत ना आती, दुखी होने की नौबत ना आती। अच्छी संस्कार बनाए, जब अच्छे संस्कार बनाएंगे तो जो कुछ बोलेंगे वो बोलना भी अच्छा हो जाएगा, फिर करना भी अच्छा हो जाएगा। साँच झूठ की परख ना आवे, झूठा लागे मीठा। जब तक साँच और झूठ की परख नहीं होगी तब तक हमें झूठा मीठा लगता रहेगा। व्यवहार में भी साँच झूठ परख की आवश्यकता है और अध्यात्म में तो इसकी आवश्यकता है ही। यहाँ बात अध्यात्म की है। आध्यात्मिक दृष्टि से सांच और झूठ क्या है? सदगुरु कहते हैं सांच आत्मा झूठ पसार। अपना जो आपा है स्वस्वरूप वो सांच है और शरीर से लेकर जहां तक हम देखते हैं बाहर की दुनिया झूठ है, क्योंकि वो हमसे निरंतर छूटती चली जा रही है और अपना आपा तो छूटने वाला है नहीं, इसकी परख नहीं है, जड़ और चेतन का सम्यक बोध नहीं है, इसलिए झूठी चीजें बड़ी प्यारी लग रही है। जहां जहां हमारा मन मोहित है, जिस जिस चीज को हम बहुत प्रीकर मार रहे हैं, कीमती मार रहे हैं, एक दिन सब छूट जाने वाला है। जो कभी न छूटे, छोड़ कर भी हम छोड़ना चाहें तो भी न छोड़ पाए, वो साच वही हमारा आपा है, अपना है। और जिसे हम कुछ भी करके पकड़ना चाहें अंत में छूट जाए वो झूठ है। अब आप स्वयं सोच सकते हैं ऐसी चीजें क्या हो सकती है। संसार अपनी जगह पर सच है, लेकिन संसार से हमारा जो संबंध है वो सच नहीं है। हर किसी को ये बात अच्छी तरह से मालूम है, हर आदमी अच्छी तरह से बात समझ सकता है। जिन प्राणी और पदार्थों से आज हमारा संबंध है, जिनके बिना हमें रहना अत्यंत मुश्किल जान पड़ रहा है, इस शरीर के पहले क्या उनसे संबंध था हमारा? पता ही नहीं था। जन्म हुआ, थोड़ा बड़े हुए, जानते गए, मन को जोड़ते चले गए, संबंध बन गया,
अब इतना जोड़ ली अब उनके बिना रहना मुश्किल। तो जिनके बिना आज रहना मुश्किल है लगता है, इस शरीर के पहले उन प्राणी पदार्थों से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा, और रहा भी होगा तो मालूम नहीं है, और जहां हमारी सांस बंद हुई, शरीर की मौत हुई, आज के अपने माने गए प्राणी पदार्थों से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रह गया। फिर झूठे तो हो गए, जन्म के पहले झूठे थे, मौत के बाद झूठे हो जाने वाले हैं, लेकिन वे सब बड़े मीठे क्यों लग रहे हैं, बहुत मूल्यवान क्यों जान पड़ रहे हैं? क्योंकि सांस और झूठ की परख नहीं है। हमने सांस को झूठ मान लिया और झूठ को सांस मान लिया, और जब तक झूठ झूठ समझ में नहीं आएगा, जब तक झूठ को हम सांस समझते रहेंगे, तब तक उनका त्याग करना संभव नहीं है। और झूठ को झूठ समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतना राग हो गया उसके लिए, इतना जोड़ लिए हैं हम अपने आप को कि चीज झूठी है, मुझसे छूट जाएगी। एक सेकंड के लिए भाव मन में नहीं आता, छूटने की कल्पना मात्र से मन सिहर जाता है। यही है दुख का कारण, यही है भय भव बंधन का कारण। चाहे कितना मन सिहरे, कितना दुखी हो जाओ, ये बात पक्की है कि उनसे आपका वियोग होना है, कोई रोक नहीं पाएगा। सदगुरु यहां कहते हैं, सांस झूठ परख नहीं आवे, झूठा लागे मीठा। जब तक सांस और झूठ की सही परख नहीं होगी, आत्मनात्मक का सही बोध नहीं होगा, तब तक शरीर लेकर संसार तक जो जो चीज़ दिखाई पड़ती रहेगी, वो चीज़ बड़ी मीठी लगती रहेगी, और वो उन्हें हम अपने मन को जोड़ते रहेंगे, उनका चिंतन करते रहेंगे, एक तरफ ज्ञान की बातें कहते रहेंगे, ज्ञानी होने का दिखावा भी करते रहेंगे, और दूसरी तरफ झूठी वस्तुओं की आसक्ति में रात दिन पछते भी रहेंगे। यही है कोयला कपट जी ओटा, बाहर से श्वेत निर्मल और हृदय से भीतर से एकदम कालिमा से पूर्ण। ये कपट व्यवहार से काम नहीं होने वाला है, भीतर बाहर एक जब हो जाएगा निर्मल श्वेत, तब काम बनेगा। थोड़ी देर के लिए बत्ती बुझा दें।